वीडियो देखा और पसंद किया। हमारी यही यू नो इच्छा होती है कि हम कुछ अच्छा बनाएं एवरी टाइम और ऑडियंस को पसंद आए, और 115 मिलियन हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू टू यू ऑल। आप यहाँ पे आए आज यू नो ये इंटरव्यूज लेने और फोटो क्लिक करने, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। नॉट रियली, बट हम इतना पता था कि हम कुछ अच्छा बनाने जा रहे हैं, और बट इतना नहीं पता था कि इन अबाउट 15 डेज इट विल क्रॉस 100 मिलियन, और इट जस्ट मेक्स अस वेरी हैप्पी द होल टीम एंड या आई कैन आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स। इसमें सब है, इसमें रोना सबसे ज़्यादा है, और राधिका मैम यू नो एवरी टाइम शी ट्रेन्स मी वी गो थ्रू अ 15 डे रिहर्सल एंड देन उसके बाद शूटिंग होती है। इट्स अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस बट इन द एंड इट्स ऑलवेज वर्थ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू नो द होल प्रोग्रेस ऑफ द वीडियो। क्या क्या चीज़ इमोशंस? हाँ आई थिंक अब द बिगेस्ट ड्रामा क्वीन यू सी, सो इमोशंस कम ईजी टू मी, बट क्राइंग डजन कम ईजी टू मी बिकॉज आई एम अ हैप्पी पर्सन, बट आई क्राई ओनली फॉर माई पेरेंट और यू नो इफ इट्स समथिंग रिलेटेड टू माई सिंगिंग और माई करियर। बट सो दैट डे जब मैं वो सीन था तभी डैड ने एक वॉइस नोट भेजा था दैट यू नो ही इज़ प्राउड ऑफ मी, और सडनली जो जिस तरीके से उन्होंने बोला मेरे आँख में से टपटप टपटप हो गया, तो तभी यू नो इट्स फैमिली टू मी, आई मीन पूरा डी सीरीज है यहाँ पे, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है जो भी सॉन्ग्स बनते हैं और प्रमोशन हो जो भी हो, देयर लाइक फैमिली टू मी ऑलवेज। काफ़ी बड़ी जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, द एंट्रेंस इज़ क्वाइट ग्रैंड, लाइट्स लगी हुई हैं और आई थिंक वी विल हैव फन एट द पार्टी। मैं भी तो न्यू कवर हूँ तो आई थिंक व्हेन पीपल आर ऑफ द सेम एज ग्रुप तो बहुत मज़ा आता है, और आई थिंक आई कुड जेल विद एवरीबॉडी। अनुज इज़ हियर, so it was a lot of fun working with him and Siddharth, Anahita and you know my two friends in the song Sumbul and Ramya, we're of the same age group aur bahut maza aaya mujhe unke saath kaam karke, aur acha experience tha, main bada shant kisam ka aadmi aur mujhe bola gaya ki isko sunana, so I was like okay तो ऑब्वियसली लाइक टी सीरीज इज द बेस्ट, तो ये था कि हाँ टी सीरीज का हाल है तो करना तो है, सो आई वाज सपोज्ड टू डू सम अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो बट देन आई लेफ्ट दैट बिकॉज ऑफ टी सीरीज। And yeah, that's about it. Like it was a very good experience. It was very fun shooting with the whole team. Everyone is so professional and now I can't even tell you. After photo session, industry से क्या क्या comments मिले हैं और fans से क्या क्या comments मिले हैं जो best हो वो बताइए। I think बहुत सारे comments हैं, इतने याद नहीं, but there was this funny scoop whoop that was made. That dialogue was supposed to be in a serious mode कि मेरा breakup हो गया है, but they turned it into a parody and काफ़ी जगह मीम्स बन रहे हैं मेरे शक्ल के साथ, आज 10 बजे मेरा ब्रेकअप हो गया। देयर इज वन जिसमें लड़का कहता है कि मेरे पास लड़का कहता है हाय, तो वो तो लड़की कहती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर लड़का कहता है मेरे पास एवेंजर्स की टिकट्स है, तो बोलती है आज 10 बजे मेरा ब्रेकअप हो गया, और ऐसे बहुत सारे एंड आई एम हैप्पी इट्स ऑल बेनिफिटिंग अस। 100 मिलियन कब हुआ?
100. Man, he lives in the future. He's already seen it. बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये सबकी बदौलत हुआ है. सिद्धार्थ का कंट्रीब्यूशन है काफ़ी. लड़कियां पागल हो रही है और अपने बारे में बात करो, अपने बारे में बात करो. आई थिंक टीम वर्क है. ये नहीं होता तो शायद वास्ते इतना बड़ा नहीं होता. एंड आई एम रियली हैप्पी. ऑडियंस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है. एंड आई फील ये गाने के चलने का एक रीज़न मेजर ये है कि ये गाना अच्छा है और बहुत अच्छे से बनाया गया है. आप कितना भी किसी चीज़ को प्रमोट कर लो, अगर चीज़ अच्छी नहीं है तो वो चलती नहीं. एज सिंपल एज दैट. इट्स अ ब्लू हिट. मतलब जैसे ब्लू ब्लड होता है, रॉयल हिट, ओरिजिनल है, कोई बड़ा नाम नहीं था. एंड इट्स रीच 100 million द फास्टेस्ट. आई थिंक इट्स अ फीट इन इटसेल्फ. एंड शी हैज संग इट ब्यूटीफुली. शी लुक्स वेरी प्रीटी लाइक ऑलवेज. सो या दैट्स अबाउट इट. आपको दिलबर याद है? आई डोंट नो फ्रॉम द टॉप स्टार और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि लोगों ने आवाज़ पसंद की है. वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. और जितने भी गाने आते हैं, लोगों की दिमाग में वॉइस रजिस्टर हुई, वही मेरे लिए बहुत यू नो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वीडियोस पसंद करते हैं. सो आई थिंक आई वांट टू बी अ पॉप स्टार. तो मेरा ड्रीम जल्दी पूरा हो रहा है. मैम के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा. कॉल मी मैम, आई एम 21 इयर्स ओल्ड. नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था. द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग वाज व्हेन वी वर मेकिंग इट आल्सो, इट वाज वेरी फ्रेंडली. एंड While I was shooting, I knew there was something good that was happening. कुछ अच्छा होने वाला था. Always get that feeling. Yeah. और मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रहा था, फिर भी मेरे को वो फीलिंग आ गई. और अच्छा हो गया बेसिकली. और इसके साथ तो बहुत मज़ा आया. हाँ बहुत मज़ा आया. फन गैल ब्रो. आप इनको देख सकते हैं फिल्म में एक्टिंग करें. नहीं, बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं. और मैं तो खैर तेरे मुंह में घी शक्कर. सो आई एम गोना स्टिक टू माय वीडियोस. और सॉरी, क्या आप एक्टिंग करना चाहेंगी फ्यूचर में कि नहीं? तो करूंगी ना एक्टिंग 3 मिनट की मेरे वीडियोस में. आप फीचर फिल्में करना चाहेंगी बॉलीवुड में, ये पूछना चाह रहे हो? कुछ अच्छा आ गया तो कर लो. हाँ, कुछ अच्छा आ गया तो कर लो. देखो कर लेगी लायक जो आ गया तुम्हें. लड़की ने बोल दिया कर लेगी, मतलब करेगी. जरा लेडीज को भी सवाल पूछ दीजिए. हाँ जी, सबके साथ यार. मैंने अभी तक ये मेरे को पता चला है कि मैंने पता नहीं ब्लेजर क्यों डाल लिया, इतनी गर्मी लग रही है इस समय मेरे को. हाँ, और अंदर का माहौल तो अभी तक देखा नहीं है क्योंकि आप लोगों ने एंट्रेंस पर रोक दिया. बट इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड अरेंजमेंट. इट वाज वेरी गुड. एंड आई मीन इट्स अ मेटाफर. वो जो लाइट्स है, हां मेटाफोरिकली